लोकाभिरामं रणरंगधीरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। अपना आपका सबका स्वागत आज की सभा में। तो आज हो गई 20 तारीख, 20 नवंबर, और महीना भी बदल गया। नहीं, अब तो कार्तिक समाप्त हो गया, आज माघ शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा ही है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो माघ मास में तो कुछ स्नान करने की बड़ी परंपरा है। नहीं, माघ प्रयागराज में जाकर स्नान करिए माघ मास में। माघ नहीं है, अगहन है। अगहन 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 है। अगहन अगहन पूस माघ। अरे अभी तो बहुत दिन है, मैं तो कहा माघ और अगहन। देखिए ना, यही है ना, अज्ञानियों का यही हाल। मार्ग शीर्ष अगहन महीना है ये, इसलिए तो आप जैसे विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो हमारे जैसे लोग पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, बोल बाल के चले जाएंगे। सब बहुत सुंदर अगहन, तो अगहन मास चलो बढ़िया है। चलो चलो अगहन तो अगहन ही सही, कम से कम राम सीता का विवाह तो होगा इस महीने, नहीं तो उनका विवाह स्किप हो जाता है 1 साल के लिए। तो चलो, इधर उधर की बात करने की मेरी आदत तो है ही, तो उसको छोड़े। और आज मानस के ऋषि मुनियों पर विद्वानों से बात सुनते हैं। पिछले सप्ताह पंडित श्री प्रभुदयाल मिश्र जी भोपाल से आए थे, और उन्होंने बड़ी गहरी चर्चा की थी ऋषि मुनियों पर, उनकी परिभाषा और सप्त ऋषि और सारे योगों के ऋषि। बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आया हमारे तो। आपके समझ में आया? आपके समझ में आया होगा, हमारे समझ में कुछ नहीं है। बार पर बार चलो। पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा आने लगा, बार बार हाँ पढ़ रही हूँ। हाँ बहुत थोड़ा थोड़ा आने। तो पर आप चलो आज चलते हैं। तो आज के पास हमारे पास 5 वक्ता हैं। आदरणीय श्री राम मल्लिक जी, हम बिल्कुल देखिए तत्पर बैठे हुए हैं विश्वामित्र ऋषि पर बात करने के लिए, विश्वामित्र मुनि पर बात करने के लिए, विश्वामित्र संत पर बात करने के लिए, विश्वामित्र पता नहीं किस पर बात करने के लिए। उसके बाद में आचार्य कमलेश जोशी जी सुतीक्षण मुनि पर बात करेंगे। कमलेश जी आ गए अभी रास्ते में, चलो आ रहे होंगे, चलो उनकी प्रतीक्षा रहेगी। और फिर डॉक्टर नीलम जैन पधारी हैं, बहुत दिनों बाद उनके दर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। ये ऋषि पत्नी और ऋषि नहीं, कोई उस पर शब्द भी कुछ चर्चा हुई थी पिछले सप्ताह, तो अनुसैया जी पर बात करेंगी। और श्री राम गिरीश द्विवेदी जी भारद्वाज मुनि पर, और अंत में मनीष द्विवेदी जी लोमेश ऋषि पर बात करेंगे। तो बस अब मैं हो जाता हूँ शांत, और अब ढंग की बात सुनिए और आनंद लीजिए। सारे प्रश्नों का संकलन करिए, और जैसे इनकी बात खत्म हो इन पर दमादम दागिए, ताकि हमें सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। ठीक है, सो इसी संक्षिप्त परिचय के साथ श्री राम मल्लिक जी आइए, उतरिए मैदान में। अब विश्वामित्र जी को लाइए साथ में। मैदान में नहीं उतरेंगे, यहाँ छुपे छुपे रहेंगे आपसे। जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को बहुत प्रणाम। जय सियाराम। महर्षि विश्वामित्र प्राचीन वैदिक काल के प्रमुख ऋषियों में गिने जाते हैं। इन्होंने हिंदुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र की रचना की। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद मंडल 3 के अन्य मंत्रों की भी रचना की। गायत्री मंत्र का जप उपनयन संस्कार में किया जाता है। इसके अनुष्ठान से अनार्ज भी आर्ज बन जाते हैं। सभी हिंदू पूजा अर्चना पद्धति का यह अभिन्न अंग है।
महर्षि विश्वामित्र का जीवन संघर्ष पूर्ण रहा, परंतु उन्होंने महर्षि का महान प्राप्त किया और अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके विचार से सब भगवान मनुष्य भगवान के बनाए हैं और किसी तरह का भेदभाव अनुचित है। राम कथा में महर्षि विश्वामित्र का बहुत योगदान रहा। भगवान राम की शिक्षा और व्यक्तित्व के विकास एवं विवाह में वे महत्वपूर्ण पात्र रहे। वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस और अन्य राम कथाओं में इसका वर्णन है। आधुनिक युग में विश्वामित्र के विचार और उनके द्वारा रचित गायत्री मंत्र का प्रसार प्रचार सर्वत्र देखा जाता है। गायत्री को देवी का स्वरूप देकर मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाती है। जन्म और परिवार। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश और कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधि थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधि के पुत्र थे। गाधि इतिहास में गाथिन कौशिक के नाम से जाने जाते हैं। ये ऋग्वेद के ऋषि थे और मंडल तीन के मंत्रों की रवि रचना की थी, कुछ मंत्रों की। बाद में ये महोदयपुर के राजा बने। इनकी पुत्री सत्यवती जन्मदग्नि ऋषि की माता थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है और जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री प्रेम। मिथिला में जो कहा है कि मिथिला की इनका पूर्व स्थान कौशिकों का विश्वामित्र जी का वो मिथिला में कौशिकी नदी के किनारे था जो अभी कोसी कहलाता है। और कौशिकी परशुराम के विश्वामित्र की बहन का नाम था और उसी के नाम पर नदी अभी भी बहती है अनवरत उस काल प्राचीन काल से। आदि काल में आर्य और अनार्य का भेद संघर्ष का बड़ा कारण था। अनार्य राजा संबर के साथ घमासान युद्ध हुआ था। अनार्यों के साथ बुरे व्यवहार से विश्वामित्र दुखी थे। वे मिथिला में आकर बस गए और कठिन तपस्या और सूर्य देव की आराधना से गायत्री उन्हें गायत्री मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस मंत्र की आराधना से अनार्य भी आर्य बन सकता है। मंत्र का नाम सावित्री है और गायत्री छंद में रचित है। वैदिक साहित्य के अनेक ग्रंथों में इसकी प्रशंसा की गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सावित्री गायत्री मंत्र से मंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति में 283 में कहा गया। हरिवंश और भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। मंत्र उपनयन संस्कार और दैनिक पूजा का अंग है। इस मंत्र ने आर्य अनार्य के विवाद का समाधान कर दिया था। तपस्या और महर्षि तक उत्थान। महर्षि विश्वामित्र दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए गायत्री मंत्र की रचना के बाद। इस साधना मार्ग में उन्हें अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ा। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए सुंदरी अप्सरा मेनका को भेजा, जिसके मोह जाल में विश्वामित्र फंस गए। उनकी तपस्या भंग हो गई। मेनका से उनकी शकुंतला नाम की एक पुत्री हुई, जिसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही आर्यावर्त देश का नाम भारत पड़ा। विश्वामित्र ने पुनः अपनी तपस्या आरम्भ की और इस बार इंद्र ने अप्सरा रम्मा को भेजा, परंतु विश्वामित्र अपनी साधना पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने महादारुण तप किया। इस तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान विश्वामित्र की तपस्या और पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब ये क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने में फीका पड़ गया है। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर भी सारा वृतांत सुनाया और उनकी तपस्या कथा सुनकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी आप वास्तव में महर्षि हैं। अब गायत्री मंत्र पर कुछ बात करें। गायत्री मंत्र जैसा कि सब लोग जानते हैं यहाँ पर और सब
है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि यो यवनः प्रचोदयात्। उस इसका भावार्थ है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव पुरुष परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें तो वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से पाठ करने से अनायास नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और यह 24 अक्षर 24 शक्तियां और सिद्धियों की प्रतीक हैं। इस कारण ईश्वर ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। ऐसे तो मंत्र विश्वामित्र के सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ऋषि ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10,000 मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर से समझ साहित्य में अक्षरों के पहले 3 व्याहृतियां और उनके पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार वापस ओम, दूसरा भूर्भुव स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। तीसरा पाठ मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा सव्यावृत्ति का गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। वशिष्ठ से संघर्ष और पराजय। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का थोड़ी आदर सत्कार किया और नंदिनी गौ का आह्वान कर विश्वामित्र उनकी सेना के लिए व्यंजन और सब प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था करती। वशिष्ठ जी आतिथ्य से सात लोग सभी प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ से मांगा और बलात् गौ को पकड़ लेने का आदेश दिया। इससे वशिष्ठ जी ने क्रुद्ध होकर उनके सभी सेना को भस्म कर दिया। उनको पुत्रों को भी नष्ट हो जाने से विश्वामित्र हुए। अपने बिछुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने गए और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। उनकी शक्तियों से फिर वो आए उनसे लड़ाई करने के लिए वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और फिर परास्त हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की शक्ति को जाना और स्वयं महर्षि बनने की इच्छा से तपस्या करने चले गए। उनकी और भी कहानियां हैं कि इस बीच में इच्छाकु कृष्णकु का स्वर्गारोहण भी उन्होंने किया था। एक जीवन की घटना है। इच्छाकु वंश में कृष्णकु नाम के राजा हुए। कृष्णकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया। वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा राजा ने फिर भी नहीं प्रत्याग किया। ये विश्वामित्र के पास जाकर बोले, विश्वामित्र ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र ने अग्र हाथ में लेकर कहा कि त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र क्रोध से कहा कि तुम्हें गुरु ने श्राप दिया, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने वहीं ठहरने का आदेश दिया और वहीं सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे और दक्षिण दिशा में सप्तर्ष मंडल बना दिया और इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया। इससे इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर विश्वामित्र अनुनय करने लगे। अंत में इससे स्वतंत्र संतुष्ट होकर इंद्र देवता उन्होंने बाकी काम बंद कर दिया
और कहा कि मेरे द्वारा यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और किसंग सदा इस मंडल में अमर होकर रहेगा। बालक सुनक्षेप की भी बल्क से रक्षा के कहानी आती है उनके जीवन में, जिन पर कि यज्ञ में बालक सुनक्षेप को बलि दी जाने वाली थी, अमरीश या हरिश्चंद्र देकर थे, वो विश्वामित्र के शरण में आया। उन्होंने बालक को एक गुप्त मंत्र सिखाया, उसने उस मंत्र को यज्ञ में गाकर सुनाया और इंद्र और वरुण को प्रसन्न किया और बच गया। रामचरितमानस में विश्वामित्र की कथा। विश्वामित्र मिथिला राज के तारका वन के क्षेत्र में निवास करते। उन्हें असुर सुमह सताते हैं। उन्हें ज्ञात है कि भगवान का अवतार राक्षसों के नाश के लिए अयोध्या में हुआ है। वे राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग कर अपने आश्रम में लाते हैं। वे उन्हें अस्त्र शिक्षा देते हैं और राम जी तारका राक्षसी का वध कर उसको मुक्त प्रदान करते हैं। वहां से जनकपुर धन यज्ञ में गए। रास्ते में गौतम ऋषि के आश्रम में पत्थर बिन अहिल्या का भी उद्धार किया था। राम जी से शिव धनुष भंग कराया और राम जी का सीता से विवाह कराया। वाल्मीकि रामायण में भी विश्वामित्र की कथा इसी तरह की है। अयोध्या से राम लक्ष्मण को अपने आश्रम लाने से लेकर जनकपुर में सीताराम विवाह की कथा मानस की तरह ही मोरलेस। जनकपुर में शतानंद राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पुत्र पूर्व चरित्र का वर्णन करते हैं। विश्वामित्र तपस्या और वशिष्ठ से विवाह किसम की कथा ब्रह्म ऋषि की प्राप्ति जैसे कि ऊपर बताया है उन्होंने बताया। विश्वामित्र के सिद्धांत का बाद विचार का बाद में प्रसार। मध्य काल में संत रविदास और संत कबीरदास भी संत बन गए विश्वामित्र की तरह साधना के साथ। रविदास चमार थे और कबीरदास जुलाहे थे। दोनों ही अपनी साधना से महान प्रसिद्ध संत बन गए और आधुनिक काल में गौड़िया संप्रदाय में के पुनरुत्थान करने वाले भक्त विनोद ठाकुर कायस्थ थे। अपनी साधना से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के मुख्य आचार्य बन गए और प्रभुपाद वैश्य थे। उन्होंने इसका नामक संस्था की स्थापना की और भारत तथा विदेशों में असंख्य मंदिर बनवाए और शिष्य बनाए। सबसे बड़ी बात शिरडी साईं बाबा भगवान के नए अवतार के रूप में आते हैं उनकी है कि कैसे अपनी साधना से वो भगवान बन गए। साईं बाबा जिन्हें हम शिरडी के साईं बाबा के नाम से जानते हैं, वह एक भारतीय अध्यात्म गुरु थे जिन्हें उनके भक्त एक संत, एक फकीर, एक सदगुरु और भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं। साईं बाबा ने धर्म और जाति के आधार पर भेद की निंदा की। उनके दक्ष शिक्षण में हिंदू धर्म और इस्लाम के संयुक्त तत्व शामिल हैं। उन्होंने नाम द्वारका मई उस मस्जिद का नाम दिया जहां वो रहते थे और हिंदू मुस्लिम दोनों अनुष्ठानों का अभ्यास किया। दोनों परंपराओं से शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करके उन्होंने लोगों को ज्ञान किया। वे कहा करते थे अक्सर कि अल्लाह मालिक, भगवान राजा है, सबका मालिक है। साईं बाबा के मंदिर भारत और विदेशों में अनेक स्थानों पर हैं। इसमें शिरडी सर्व प्रमुख है। ह्यूस्टन का अमेरिका में दो प्रमुख मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति लगी है और पूजा अर्चना होती है। वो वहाँ पर भगवान राम और कृष्ण के साथ उनकी मूर्ति है और छोटे छोटे मंदिर तो बहुत ही हैं। उसके बाद आता है कि वैदिक पूजा पद्धति और गायत्री मंत्र का प्रचार और प्रसार भी बढ़ा है आधुनिक काल में। महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का इसमें सर्वोपरि स्थान है। आर्य समाज का मोटो है किन्वन्तो विश्व आर्यम और गायत्री मंत्र इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने आर्य समाज ने बहुत सारे हिंदुओं मुसलमानों को हिंदुओं में वापस किया जो कि फोर्सेबली पार्टीशन के टाइम में बना दिए गए थे मुसलमान। और उसके आर्य समाज के मंदिर तो भारत और विदेशों में है, ह्यूस्टन अमेरिका में भी है और बहुत एक्टिव है। गायत्री समाज नामक संस्था गायत्री के प्रसार में प्रमुख है। गायत्री देवी के मंदिर बहुत स्थानों में पर हैं। ह्यूस्टन में भी एक गायत्री देवी का सुंदर मंदिर है जहाँ
नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। इस तरह से विश्वामित्र जी का इस विश्व के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया हुआ है और बहुत ही देन है। हम लोगों को भी विश्वामित्र से शिक्षा लेकर अपने साधना पथ में लगे रहकर कुछ हासिल करने की क्षमता बनानी चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।